एंड कश्मीरी लोगों ने बहुत सफ़र किया है, पास्ट में बहुत मुश्किलात देखी है, खासकर डाउनटाउन के लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी है, कर्फ्यू, हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग, गोलियां, पैलेट्स, उन लोगों ने यही चीज़ें देखी है। बिल्कुल इंटरनेट वहाँ पे नहीं चलता था। आज अगर आप कोई सवाल करता है कि कश्मीर में अमन क्या है, मेरे लिए अमन है पीस। अच्छा मेरे लिए सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो पीस है। आर्टिकल 370 के बाद यूथ आइकन और बीजेपी के स्टार फेस कैंपेनर हमारे साथ अयान खान मौजूद हैं, जो खुद एक डाउनटाउन को बिलोंग करते हैं, जो कि श्रीनगर में है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इन्होंने रिसेंटली बीजेपी जो है वो ज्वाइन की है, और इनके साथ 1000 यूथ को इन्होंने अपने साथ बीजेपी ज्वाइन कराई है। इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू वेरी मच। ये जर्नी कैसी रही, मतलब एक अभिनेता कैसे बन गया नेता? बहुत ब्यूटीफुल रही है। जब किसी इंसान को कोई की कोई चीज़ इंस्पायर करती है तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन मिलता है। तो क्या थी आपकी इंस्पिरेशन इसके पीछे? हमारे जो मोदी साहब ने जो 9 साल काम किया, ये 9 साल इतने बेमिसाल रहे, गरीबों का काम हुआ है, सबका साथ सबका विकास का जो मंत्रा है उनका, वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है और मैं बहुत इंस्पायर हो गया बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए। अगर हम देखें मुल्क से बाहर हम कभी भी जाते हैं तो प्राउडली हम कहते हैं कि हम इंडियन है, भारतीय है। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुल्क का नाम बहुत रोशन किया है। सीना फ़ख्र से गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन है। पर आपका करियर अच्छा चल रहा था, मतलब बॉलीवुड में भी आप जैसे कि श्रीनगर में रिवाइव करने वाले बॉलीवुड को आप ही हैं, और आने वाले टाइम में आपके गाने और मूवीज़ भी आपकी आने वाली हैं, तो फिर ये नेता की तरफ कहाँ निकल गया? लोगों के लिए ऑब्वियसली कुछ करना चाहता था, एंड कश्मीरी लोगों ने बहुत सफ़र किया है, पास्ट में बहुत मुश्किलात देखी है, खासकर डाउनटाउन के लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी है, कर्फ्यू, हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग, गोलियां, पैलेट्स, उन लोगों ने यही चीज़ें देखी है। बिल्कुल इंटरनेट वहाँ पे नहीं चलता था। आज अगर आप कोई सवाल करता है कि कश्मीर में अमन क्या है, मेरे लिए अमन है पीस। अच्छा। मेरे लिए सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो पीस है। आर्टिकल 370 के बाद अगर आज कुछ ग्राउंड पे बस मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि 5 अगस्त 2019 के बाद लोग बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि 370 ने क्या बदला और क्या मतलब देखने को मिला, थोड़ा बताइए कि क्या 370 में क्या हालात वहाँ पे नॉर्मल है श्रीनगर में? 370 ने अमन दिया, पत्थरबाजी बंद हुई, गोलियाँ बंद हुई, स्टोन पेल्टिंग जो हुआ करती थी उस पर रोक लग गई, लोगों को जो मारना पकड़ना वो चीज़ें बंद हुआ, पैलेट्स बंद हुए, कैलेंडर बंद हुए। ये तो सबसे बड़ा एक दर्शाता है कि सबसे बड़ा एक अमन है, पीस है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि डाउनटाउन जिस इलाके को आप बिलोंग करते हैं और आपने 1000 यूथ खुद तो ज्वाइन किया कि साथ में 1000 यूथ को और ज्वाइन कराया, ये पॉसिबल कैसे हुआ? मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ कहता हूँ, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यहाँ का यूथ बहुत समझदार है, कश्मीर का। वहाँ श्रीनगर का जो यूथ है, आज से पहले अगर देखें तो उनके माइंड में ये बात नहीं आती थी पॉलिटिक्स क्या है, बट आज वो अप्रिशिएट करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है वो रियलिटी में कश्मीर को एक नया कश्मीर बनाएगा और बना रहा है। आपको क्या लगता है हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एलजी साहब के लीडरशिप में और माननीय मोदी साहब के लीडरशिप में नया कश्मीर एक फिर से जन्नत बन रहा है रियलिटी में। जब मैं इंस्पायर हो गया, मैं मानता हूँ पूरा कश्मीर इंस्पायर होगा। चलो कश्मीर की बात तो रही, हमारे जम्मू की बात करें, जम्मू के साथ हमेशा से भेदभाव होता हुआ, आज तक लोग यही बोलते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि हो रहा है कि लोग सही बोलते थे? हो रहा था, मैं है की बात कर रहा हूँ, अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। जम्मू के साथ नाइंसाफी होगी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जम्मू के साथ बहुत सौतेली माँ का सलूक किया गया। जो गवर्नमेंट्स पहले थी वो जम्मू को बहुत कम दर्जा देती थी और कश्मीर को ज़्यादा, एक कश्मीर एक पॉलिटिकल एक सर्कस बन चुका था, हर एक अपने पॉलिटिकल इनिंग्स खेलता था वहाँ पे, कुर्सियों के लिए वहाँ पे कश्मीर को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे। जम्मू का टूरिज्म ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता था, कोई प्रमोट नहीं करता था पहले, आज देखे कि जम्मू और कश्मीर एक बराबर का दर्जा एक मिल रहा है दोनों जगहों पर। जैसे कश्मीर एक वैली है, बड़ी खूबसूरत जगह है, वैसे हमारे जम्मू में भी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है, बट वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं है। इस समय बीजेपी की सरकार है पर वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया मेरा सॉन्ग फिराओगे, मैं पहली बार अगर आया जम्मू आया,
जम्मू के लोगों का, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैं बहुत ज़्यादा आई एक्सप्रेस माई लाइक वार्म ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने कितना प्यार दिया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जम्मू के लोगों का। आई सीक माई ब्लेसिंग्स जब भी मैं जम्मू आता हूँ, मैं जम्मू के लोगों की ब्लेसिंग लेता हूँ। एंड फराओगे के टाइम पे भी बहुत ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ के लोगों ने प्यार दिया। उसके बाद थोड़ी देर मैंने जम्मू में किया, जैसे मैंने श्रीनगर में किया जम्मू में भी किया, सो इक्वली मैंने बराबर दर्जा दिया। मैंने फिर उसके बाद शूटिंग पटनी टॉप में कराई। अच्छा। जो मैंने जम्मू के लोगों से प्रॉमिस किया दैट मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट जम्मू में करूँगा, सो ऑब्वियसली आपका जम्मू का जो पटनी टॉप है मैंने वहाँ पर शूट कराया। सो मैं बिलीव करता हूँ मेरे लिए दोनों बराबर इक्वल है, और आज की गवर्नमेंट भी इक्वली ट्रीट कर रही है जम्मू को, जैसा कश्मीर वैसा जम्मू, बिकॉज जम्मू इज़ गेटवे टू कश्मीर। यहाँ जो भी टूरिस्ट पहले आता है वो जम्मू आता है, तो वया जम्मू वो श्रीनगर आ जाता है, कश्मीर आ जाता है। आजकल लोग फ्लाइट पकड़ के सीधे कश्मीर ही उतर जाते हैं। आप देखिए रोड ट्रिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, रोड ट्रिप्स जो आते हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं इस साल, तो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल रहा है। टूरिज्म इतना एक ज़बरदस्त रहा है कश्मीर में, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो क्या कर रही है। एक इनिशिएटिव था हर घर तिरंगा, इसके बारे में थोड़ा अपडेट कीजिए हमें कि हर क्या है इसका। प्राउडली हर एक इंसान को अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए। तिरंगा हमारी आन बान शान सब कुछ है, तिरंगे के बाद कुछ नहीं है। तो मैं गर्व से कहता हूँ, मैं प्राउडली कहता हूँ 2022 में मैंने हर घर तिरंगा को सक्सेसफुल बनाया। आई प्लेड एन इम्पेरेटिव की रोल इन मेकिंग हर घर तिरंगा अ सक्सेस इन कश्मीर। सो उससे बढ़ के मेरे लिए गर्व की बात, मतलब डाउनटाउन के लोगों ने भी अपने घरों पे तिरंगा लगाया था। बिल्कुल, कश्मीरी लोग तिरंगा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान है, तिरंगा के लिए अपनी जान भी जाए तो कोई गम नहीं है। लेकिन 370 टूटने से पहले क्या हालात थे वहाँ? 370 टूटने से पहले कर्फ्यू हुआ करते थे, 7 थाने मानते थे, 7 जो ज्यूरिडिक्शन जो आते थे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं डाउनटाउन का हूँ, आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ कि कितना हार्डशिप हम लोगों ने देखा है कश्मीर में। पहले कितना वहाँ पे कर्फ्यू हुआ करते थे, बिजनेस कम्युनिटी जितना जो थी पूरा क्रैश हुई थी, बिजनेस नहीं थे। 12 महीने में 9 महीने बिल्कुल हड़ताल थे, कैलेंडर निकलते थे जैसे कि कोई एक स्केड्यूल चलता था। अभी आज देखो कि आज कितना अमन से लोग जी रहे, इज्जत की ज़िंदगी। 2019 से पहले, आर्टिकल 370 से पहले की अगर बात करें, ऑब्वियसली हर एक इंसान 10 बार सोचता था करे या ना करे। जब मैंने स्टार्ट किया मैंने भी बहुत सारे हार्डशिप्स का फेस किया, बहुत सारा थ्रेट मैंने फेस किया, मेरे पे हमले हो गए, मेरे स्टाफ पे हमला किया गया, मेरे घर पे हमला किया गया, मेरी गाड़ी पे हमला किया गया। ये कब की बात है? 2021 की बात है। अच्छा। अभी रिसेंटली भी मेरे घर पे हमला हुआ। तो ये समाज में कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स है जो अमन को दबाना चाहते हैं, जो कोई स्टार्ट करना चाहता है, अमन लाना चाहता है यहाँ पे, अमन का प्रोसेस, अभी अमन बहुत कश्मीर में आ रहा है, मगर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन की कारण ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो कश्मीर से पत्ता साफ हो चुका है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे उनकी जो रुखसती है, ज़मीन बोझ हो चुके हैं वो, अब फ्रस्ट्रेशन के कारण वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट की बात की जाए कश्मीर और जम्मू में 2019 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई है? पहली डेवलपमेंट, मुझसे सवाल किया जाता था कि सरकार ने राशन कार्ड पे राशन देना बंद कर लिया। वो ऐसे बुद्धिजीवी जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और सम जर्नलिस्ट जो मुझसे पूछा करते थे कि भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी ने कश्मीरियों के लिए दुख के सिवा कुछ नहीं किया। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उनको एक थप्पड़ मारा, 10 किलो का राशन एक प्रोवाइड किया गया बीपीएल फैमिलीज को। यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, जो बीपीएल डिजर्व करता है राशन लेना या जो अमीर है? बिल्कुल, गरीबों को तो बेचारों को जरूरत है ना। अब अमीर और गरीब आप दोनों एक मर्ज करोगे तो फिर क्या फर्क रहा? गरीबों के लिए पहले राशन था 5 किलो, अभी 10 किलो गवर्नमेंट ने उसका ये दे दिया। जो होमलेस लोग हैं जिनको घर नहीं है, छत नहीं है, उनको 5 मरले का ज़मीन दिया। मोदी साहब के नेतृत्व में काम क्या हुआ है? 9 साल अगर इतने बेमिसाल है, आप बोलते कि मैं नेता क्यों बना? मुझे किस चीज़ ने इंस्पायर किया? मुझे इंस्पायर किया गोल्डन कार्ड ने, मुझे इंस्पायर किया मकान जो मोदी साहब ने बनाए, मुझे इंस्पायर किया जो गरीबों के लिए कुकिंग गैस, जो माँ बेचारी चूल्हा जला जला के जिसके हाथ जला करते थे
उसको बेचारी को राहत मिली, गरीबों को गैस मिला, मुझे इंस्पायर उस चीज़ ने किया। मुझे इंस्पायर किया मोदी साहब के ख्वाब, नया कश्मीर के ख्वाब ने, जो नया कश्मीर मोदी साहब का विजन है कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीरी हंसे, इज्जत की ज़िंदगी जिए, कश्मीरियत का नाम जिंदाबाद रहे, उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। ये आप लोगों का जवाब है। तो ये जो हम आप बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, मतलब आप अभी रिसेंटली एलजी के पास भी गए थे, काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हो, सारी पार्टियां जो हैं हमारे जम्मू में इस समय प्रोटेस्ट पे हैं कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से कोई बाहर नहीं आ रहा, वो भी तो आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। मैं तो आया ना मैं तो एलजी साहब से रिसेंटली मिला, फायर एंड एमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी मुश्किलात मैंने उठाई, स्मार्ट मीटर्स का मैंने उनसे इश्यू उठाया, मैंने एलजी साहब से ये क्लियर बताया, एलजी साहब अगर कोई पॉसिबिलिटी है, डाउनटाउन ने मुसीबतें देखी है, एक घर में चार चार फैमिलीज रह रहे, हमेशा वहाँ पे गोलियाँ पैलेट्स चलते रहे, पिछली सरकारों ने वो मुसीबतें वहाँ पे डाली, बिजनेस कम्युनिटी पूरी ख़त्म थी वहाँ की, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए अफोर्ड करना स्मार्ट मीटर्स, 20,000-30,000, जो बेचारा 10,000 कमाता है वो बच्चों के लिए फीस भरेगा या घर का चलाएगा या स्मार्ट मीटर को ये करेगा। तो एलजी साहब को ये बात मैंने की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 200-300 यूनिट जो है बिजली के उनको फ्री किया जाए, एटलीस्ट कोई रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उनका क्या रिस्पांस था आगे से जब आपने? तो इट्स अप टू गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन दैट, मेरा काम था इशू उठाना, ठीक है, इट वट एवर वॉज इन माई कैपेसिटी आई रेज दैट, चाहे वो फायर एंड एमरजेंसी का, मैंने उनका मसला उठाया, उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, तो मैं बीजेपी का ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, हम कंसर्न है गरीबों के लिए, गरीबों का कल्याण जो है, 9 साल इतना काम हुआ, वही चीज़ तो मुझे इंस्पायर करता है कि बीजेपी को आगे लेने के लिए, बीजेपी का जो ग्रास रूट लेवल पे कश्मीरियत को जिंदा करने के लिए मुझे तो वही चीज़ इंस्पायर करती है। 1,000 यूथ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, 1,000 यूथ ने अगर बीजेपी मेरे साथ ज्वाइन किया, मेरे सपोर्टर्स ने, वो इसलिए किया क्योंकि मैंने बीजेपी पे ट्रस्ट किया, बीजेपी ने काम किया यहाँ पे, ये वो खाली अपने घर बनाने के लिए बीजेपी की हुकूमत के लोगों ने नहीं की कि अपने घर बनाएंगे, बीजेपी ने लोगों के घर बनाए। तो अयान मेरे को एक बात बताइए कि आप जैसे अब नेता बन गए, तो ये आपका जो पहले करियर था अभिनेता वाला, उसे भी कंटिन्यू रखेंगे साथ साथ? ऑब्वियसली दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड इट्स डिफरेंट। अगर हम गरीबों का कुछ हेल्पिंग हैंड में कर रहा हूँ, मेरे से किसी को हेल्प पहुँच रहा है, मैंने नाम बनाने के लिए तो बीजेपी ज्वाइन नहीं किया ना, मेरा तो ऑलरेडी नाम है, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, मैंने अपने घर को बनाने के लिए नहीं किया, जो यहाँ पे ऐसे सियासतदान रह चुके हैं 70 ईयर्स में, जिन्होंने सिर्फ अपने घरों का सोचा, अपने फेवरेटिज्म किया, लोगों को बेचारों को मुसीबत में डाला, मैं तो उस चीज़ के लिए नहीं किया। मैंने अगर निकला हूँ, मैं लोगों के लिए निकला हूँ, मेरी वजह से लोगों को राहत मिले, मोदी साहब का विजन आउटरीच हो, दिस इज़ माई ड्रीम। तो ये थे अयान, जिनको आपने सुना, डाउनटाउन को बिलोंग करते हैं, डाउनटाउन श्रीनगर को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली 1,000 यूथ को अपने साथ बीजेपी ज्वाइन कराई है। तो इनका कहना ये था कि अभिनेता से नेता बनना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अवाम की जो आवाज़ थी सरकार तक इन्होंने पहुँचानी थी।